ऑलराइट गाइस, सो मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। गाइस, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सीरियस टॉपिक पे। बहुत लोगों के ये सवाल थे कि अगर हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट या फिर नेशनल तक ही अगर खेल पाते हैं, नेशनल तक ही अगर जीत पाते हैं या फिर स्टेट जीत पाते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट जीत पाते हैं, तो फिर हमको क्या जॉब वगैरह मिल पाएंगी, या फिर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर हमें क्या कैश प्राइज़ मिलता है, स्टेट रिकॉर्ड तोड़ने पर क्या कैश प्राइज़ मिलता है। ये सब बहुत सारे सवाल थे कि इंटरनेशनल में जैसे कोई मेडल लाए तो कैश प्राइज़ मिलता है, तो अगर हम नेशनल रिकॉर्ड तोड़ें तो क्या कैश प्राइज़ मिल जाएगा, या फिर क्या जॉब्स मिल जाएंगी अगर हमने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, डिस्ट्रिक्ट खेला है। तो ये कुछ सवाल फ्रीक्वेंटली मेरे पास आ रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल तक ही अगर खेले हो या फिर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं गवर्नमेंट से। जॉब्स की बात करूँगा, कैश प्राइज़ की बात करूँगा मैं इधर, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटरनेशनल इवेंट्स की बात नहीं करूँगा। इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी एक वीडियो में। अगर आपको तब भी चाहते हो कि मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मगर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल अगर जीतते हो या उसमें प्लेसिंग लाते हो, तो आपको क्या कैश प्राइज़ मिल जाएगा और जॉब्स मिल जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा गाइस। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा वो सब लोग जो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करा है। और एक चीज़ है गाइस, अब क्या होता है कि मैं बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता, तो बेसिकली वो इसलिए क्योंकि मेरे पास डेली लाइक व्हाट्सएप और इंस्टा पे मिला के 20 से 25 लोगों के मैसेजेस आते हैं जिनकी अलग अलग क्वेरीज होती है। तो उसको देखने में, फिर उनकी सही आंसर भी, ऐसा भी नहीं कि मैं आपको कुछ भी लिख दूंगा, तो वो सब देखने में थोड़ा परखने में मेरे को लग जाता है टाइम, क्योंकि मैं साथ में लाइक अपना मेरा अपना अलग बिज़नेस भी है, तो मेरे को उसमें भी देखना पड़ता है। उसके साथ मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, इसको एडिट भी करता हूँ। तो मतलब अगर आप जो मुझे टेक्स्ट करते हो, तो अगर मैं विद इन लाइक 4-5 घंटे नहीं देख पा रहा, या कभी कभी हो जाता है, एक दिन हो जाता है, तो ऐसा मत समझना कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा गाइज, वरना मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो इसीलिए गाइज, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको कोई सवाल है आप पूछो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा गाइज। हो सकता है एक दिन बाद दूँ या कभी कभी हो सकता है 2 दिन बाद दूँ, मगर रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा आपकी क्वेरी में सॉल्व। आपका जो भी सवाल है आपको उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लेना गाइज, एंड नीचे अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बात कर लेते हैं गाइस, मैंने जो आर्टिकल ढूंढा है वो मैंने जागरण जोश से ढूंढा है। आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा ये एक बहुत नामचीन न्यूज़पेपर है एंड इसकी वेबसाइट भी है। तो इस पे जो मेरे को आर्टिकल मिला है उसमें बहुत अच्छे से और बहुत सुंदरता से डिटेल में बताया गया है कि अगर आप स्टेट, नेशनल या डिस्ट्रिक्ट जीतते हो तो उसके साथ आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी और आपको क्या क्या उसमें जॉब्स मिल जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पर आराम से पढ़ के बताता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि बहुत सारे हम में से लोगों को इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में, एंड बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हायर करती हैं लड़कों को, लड़कियों को स्पोर्ट्स के बेसिस पे। कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ लिखा है इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, PSU, एस रिक्वायरमेंट्स यानी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें हायरिंग चलती रहती है गवर्नमेंट की, उन लोगों की जो लोग स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, ठीक है। मगर उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यही मेंशन है सब कुछ, इस आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स बताएं कौन कौन से स्पोर्ट्स में एलिजिबल हैं, सिर्फ एथलेटिक्स में ही नहीं, आर्चरी, बैडमिंटन, अत्यापत्या, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे, आइस स्केटिंग, कराटे, पोलो, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग, याचिंग, सब कुछ है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिक्वायरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कोटा इज 10th एंड इंटरमीडिएट, मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो 10th या फिर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यानी कि 12th, 10th या फिर 12th आपको चाहिए ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर ग्रेड पे बताएं, यहाँ पे सैलरी बताइए कि क्या आपकी सैलरी होगी। तो सैलरी यहाँ पे है फॉर ग्रेड पे 2400 to 2800, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बैचलर्स की डिग्री है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से उनके पास अगर एक बैचलर्स की डिग्री है और उन्होंने कोई अच्छी प्लेसिंग होल्ड करी है कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, ठीक है, ओलंपिक्स वगैरह में, तो उनको ग्रेड पे 2400 से 2800 की सैलरी मिल जाएगी। अब ग्रेड पे 2400 और 2800 में कितनी सैलरी आपको मिल जाती है वो भी मैंने यहाँ निकाल के रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रेड पे इसमें आपको मिल जाती है 29,200 से लेके 92,300 तक के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी,
अगर आपने बैचलर्स की डिग्री करी हुई है, यानी कि ग्रेजुएशन करी हुई है और आप इंटरनेशनल खेले हुए हो, फिर आता है ग्रेड पे 1900 से 2000। 1900 से 2000 मतलब इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी 19,900 से लेके 63,200, यानी कि 63,200 तक इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी। इसमें क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए? अगर आपने 10th के साथ 12th करी हुई है, और अगर आपने जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं, सीनियर यूथ या फिर जूनियर नेशनल में अगर आप मिनिमम थर्ड पोजीशन लाए हो, तो फिर उसमें आपको ये जो जॉब्स हैं इस सैलरी की मिल जाएंगी। अलग अलग जगहों पे, रेलवे, आर्मी, कहीं पे भी हो सकता है। और कौन कौन से यहाँ पे दिए कि अगर आपने कोई इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप खेली है, जो कि एजेस है ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और फर्स्ट पोजीशन इन फेडरेशन कप चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी, तो ये सब दिया हुआ है कि अगर आप इन चैम्पियनशिप्स में फर्स्ट पोजीशन लाए हो। और ये सब जो भी और भी जो गेम्स होते हैं नेशनल के अलावा, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जिस जो रूल्स हैं वहाँ फॉलो होते हैं, उनमें भी अगर आप कोई पोजीशन लाए हो, मिनिमम यहाँ पे लिखा है थर्ड पोजीशन, तो आपको ये ग्रेड पे मिल जाएगा, इस लेवल की सैलरी आपको मिल जाएगी। फिर लास्ट आता है ग्रेड पे 1800 और बिलो, मतलब अगर आप, यहाँ दिया हुआ है अगर आप थर्ड पोजीशन लाए हो किसी भी नेशनल लेवल कंपटीशन में, स्टेट में और जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट है उनमें अगर आप थर्ड पोजीशन लाए हो, तो आपको इस ग्रेड पे की सैलरी मिल जाएगी। इसमें फॉर ग्रेड पे 1800 में आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी ये मैं बता देता हूँ। इसमें आपको 18,000 से लेके 56,000, यानी कि 56,900 तक के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी, अगर आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर नेशनल लेवल जीते हो, या फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में अगर आप थर्ड भी आए हो, तो आपको ये मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया हुआ है, वो ये है, द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन, मतलब आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका स्पोर्ट्स ट्रायल होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो बेसिकली ये दिया है कि आपका ट्रायल होगा, उसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा। और गाइज अगर मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे कॉलेजेस की भी कुछ लोगों से पूछते हैं कि कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। देखो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बताऊँ, तो वहाँ ऐसे होता है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको अपने टॉप 3 सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। अगर आप नेशनल जीते हो, स्टेट जीते हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट वहाँ दिखाने पड़ेंगे, उनके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं और फिर आपका ट्रायल लिया जाता है। और ऐसे ही मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होता है, आपके सर्टिफिकेट्स लगते हैं, आपका ट्रायल लिया जाता है, जॉब्स में भी सेम होता है, और उनके बेसिस पे आपको रखा जाता है। प्लस देखो यहाँ पे भी अगर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही हो, तो वो ये है, जितनी ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए बैचलर्स के लिए जो ग्रेड पे है, वो है वही वाला, कौन सा, 2400 से 2800 वाला ग्रेड पे है बैचलर्स वालों के लिए, और उन्होंने अगर इंटरनेशनल इवेंट में कोई प्लेसिंग लाए हैं, तो जितना ज़्यादा पढ़े लिखोगे गाइज, जितना ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे, उतना ही आपके लिए बेटर है। वरना तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर आपने 10th और 12th भी करी है, तो यहाँ पर दिया हुआ ही है कि जॉब की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने एथलेटिक्स में मेडल लाए हो, जॉब की दिक्कत आपको नहीं होगी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल ही जाएगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट कुछ नहीं तो थर्ड आए हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में, नेशनल्स में, तो आपको जॉब तो पक्का मिल ही जाएगी। अब कुछ लोगों का था कि अगर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ें तो फिर क्या कैश प्राइज वगैरह मिलता है। ऑनेस्टली गाइज, नेशनल रिकॉर्ड, स्टेट रिकॉर्ड, ये सब तोड़ने पर कोई ज़्यादा कैश प्राइज नहीं मिलता। मैंने चेक भी करा था, बहुत लोगों का सवाल था अमिया कुमार मलिक को क्या मिला, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स ढूंढे, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को ऑनेस्टली नहीं मिली जिसमें ये पता चल पाया कि उनको कोई नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पे कोई कैश प्राइज मिला था। क्योंकि अक्सर जो कैश प्राइज मिलते हैं गाइज, वो मिलते हैं अगर आप इंटरनेशनल इवेंट्स में कोई प्लेसिंग ले आओ, ठीक है। हमें पता है दूती चंद को मिला है, हिमा दास को मिला है, पीवी सिंधु को मिला है, साक्षी मलिक को मिला है, इन सबको मिला है जो लोग इंटरनेशनल इवेंट्स में प्लेसिंग लाते हैं। मगर नेशनल रिकॉर्ड वगैरह तोड़ने में इतना कुछ खास गवर्नमेंट देती नहीं। हो सकता है आपसे खुश होकर आपको 4-5 लाख, मैक्सिमम 10 लाख वगैरह दे दे आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, मगर उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर दिया भी है तो मेरे को ऑनेस्टली मिला नहीं। एटलीस्ट अमिया कुमार मलिक का बहुत रिक्वेस्टेड था कि उसके लिए बताओ उसको क्या क्या मिला था नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पे। ऑनेस्टली गाइज, मुझे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मे बी शायद उनको नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई स्टेट ने कोई कैश प्राइज ना दिया हो, दिया भी हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन गूगल पे तो नहीं मिली। पर अगेन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ, 5 से 10 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख, उससे ज़्यादा नहीं मिलता नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर। और इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। तो मतलब बेसिकली एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट में भी थर्ड लाए हो, जो सबसे छोटा लेवल कंपटीशन होता है डिस्ट्रिक्ट, उसमें अगर आप थर्ड आए हो, आपकी जॉब तो देखो पक्की है, आपको जॉब तो मिल जाएगी आराम से, 18,000 से 50,000 के बीच की सैलरी की जॉब मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेहनत करते रहो गाइज, प्रिपेयर करते रहो, और ऑल द बेस्ट टू एवरी वन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।